वेलकम टू न्यूज बाबा यूट्यूब चैनल। जहाँ तो हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 49,568 भर्ती के बारे में। जहाँ तो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो यूपी पुलिस 49,568 में जो मेरिट जारी हुई है और कैंडिडेट सभी जो है भर्ती बोर्ड पर ब्लेम लगा रहे हैं कि भर्ती में धांधली हुई है, क्या सच है वही बताने वाला हूँ। जहाँ दोस्तों और भर्ती बोर्ड ने क्या बोला है, क्या भर्ती में धांधली हुई है या नहीं हुई है, क्या सच है और क्या झूठ है वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कैंडिडेट ब्लेम लगा रहे हैं कि दोबारा से भी कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिनका पेट हो चुका है उनका भी दोबारा से पेट के लिए बुलाया गया है। लिस्ट में IMP लिखा हुआ है, यानी कि इम्पोर्टेंट, कि क्या ये व्यक्ति जो है इम्पोर्टेंट है, स्पेशल है, क्यों इनको, इनके सामने IMP लिखा हुआ है, क्या कारण है, और इन सभी का जवाब इस वीडियो में लेकर आऊं। भर्ती बोर्ड ने क्या बोला है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वही सब आपको बताने वाला हूं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को अच्छे से सुने, जो भी आपका कमेंट या क्वेरी होगी वो कमेंट में जरूर करें, को जो भी तर्क होगा कि ये सही है या गलत है वो जरूर बताएं, प्लीज धैर्य बनाए रखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बताता हूं आपको, सभी लड़कों की DVPST खत्म होने के बाद जो लिस्ट है उसमें कुछ के नाम में दिक्कत है, तो कुछ के पिता के नाम में दूसरे के पिता का नाम आ गया है। दोस्तों जो कुछ में फिंगर दिक्कत है, कुछ में फोटो नहीं है, कुछ में जेंडर की दिक्कत है, प्रूफ के लिए फोटो देखे। तो नीचे बात कर रहे हैं जो फोटो में अनमोल रत्न, जो 6 कैंडिडेट की लिस्ट आई थी उसका पहला नाम है, जिसके लिंग में फीमेल हो गया था, इसीलिए सही करके अब दोबारा जो है उसको बुलाया गया है। इसी तरह सभी का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। IMP का मतलब वह कैंडिडेट है, जहां तो ये बहुत चल रहा है कि IMP का मतलब क्या है, वो हाइट या चेस्ट में भर्ती बोर्ड गए थे स्पेशल की मैं 41,520 में सेलेक्ट था पर 49,568 में नहीं हूं, ऐसा क्यों, इसीलिए उनके लिए अलग से स्पेशल सीनियर अधिकारी चेक करेगी कि ऐसा क्यों है, इस वजह से उसको IMP लिखा गया है। यानी ये वे कैंडिडेट है जिन्होंने हाइट और चेस्ट के लिए भर्ती बोर्ड में जो है अपनी अर्जी लगाई है कि 41,520 में हम सेलेक्ट थे, इसीलिए उनके आगे IMP लिखा गया है, जिससे कि वो जल्दी पहचाने जा सके कि ये वे कैंडिडेट है जिन्होंने भर्ती बोर्ड में बताया है कि 41,520 में सेलेक्ट थे, इसमें क्यों नहीं हो गया है। और जो अफवाह संतोष कुमार की चल रही है वह टेक्निकल है। इस संबंध में भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि जिसकी PET एक बार हो गई है उसका दोबारा मशीन कनेक्ट नहीं करेगी, जिनका 49,568 भर्ती में नंबर नहीं आया है वह इस भर्ती को कोर्ट में फंसाने का काम करेंगे, इसीलिए जिनका पैट हो गया है वह मेडिकल और फाइनल मेरिट का इंतजार करे, अफवाहों से दूर रहे। जी हां दोस्तों, ये भी बोला है कि अफवाहों से दूर रहे, यही मुझे जो है थोड़ा सा एक प्रूफ मिला है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता है या ठीक लगा है तो कमेंट करें, आप सभी लोग जो है अपनी राय दें कि आपकी क्या राय है, क्या ये सच है या गलत है, या वाकई जो है इस भर्ती में धांधली चल रही है, या फिर जो है दोबारा कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और जो कैंडिडेट जो नाम और पिता के नाम में जो गड़बड़ है क्या वह गलत है, क्या इसमें कुछ ना कुछ धांधली चल रही है, क्या कारण है, कुछ कमेंट में आप लोग भी अपनी राय दें। ऐसी एक छोटी सी अपडेट लेकर आया था। आगे अपडेट पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले, साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, वहां पर भी आपको भर्ती बोर्ड से संबंधित काफी जानकारी मिल जाती है और आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होती है। तो मिलता है कोई अच्छे के साथ, तब तक ले जय हिंद।